बोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा, हमारे साथ है पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन, प्रो इंटेली ट्रेड सर्विसेज के दिनेश सोमानी और कमोडिटी विश्लेषक सरफराज लाला। हमारे कार्यक्रम कमोडिटी का ट्रेंड में आज हम गंवार कॉम्प्लेक्स के टेक्निकल हाल पर बोआई से पूर्व चर्चा करेंगे। हालांकि राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में मानसून का आना और बुआई पैटर्न का पता चलना बाकी है, लेकिन लंबे समय से एक दायरे में ही गंवार सीड और गंवार गम का ट्रेड करना और यह अवरोध कहाँ पर टूटेगा, यह राय जानना जरूरी है। सबसे पहले हम हाल जानेंगे गंवार सीड का और इसके बाद चर्चा करेंगे गंवार गम की। मनोज जी, सबसे पहले हम चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं कि लंबा समय हो गया और गंवार सीड ब्रेकआउट क्यों नहीं कर पाता? नमस्कार कोमल जी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक हम ग्वार सीड की बात करें तो पिछले 5 वर्षों से ग्वार सीड की कीमतों को हमने एक बहुत ही सीमित दायरे में ट्रेड होते हुए देखा है। फेब्रुअरी 2016 में जो ग्वार सीड में लगभग 2,900 के लोज बने थे, उसके बाद हमने नवंबर 2018 में यहाँ 4,870 तक के हाइज जो है बनते हुए देखे थे। लेकिन इसी दायरे में जो ये कमोडिटी है पिछले 5 वर्षों से लगातार ट्रेड कर रही है और सभी को इंतजार है कि इसमें जो सुपर बुलिश मूव जो है वो कब देखने को मिलेगा। कारण काफ़ी है, क्योंकि हमने देखा था कि एक तो जो पुराना जो कैरी ओवर स्टॉक है वो काफ़ी मात्रा में था जो धीरे धीरे खपा, उसके साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में जो गत वर्ष हमने रिकॉर्ड गिरावट देखी थी और इतिहास में पहली बार कच्चे तेल की कीमतें जो है नेगेटिव सेटलमेंट भी हमने नाइमेक्स डिवीजन पर आते हुए देखा था, तो वो भी एक बड़ा कारण था। फिर जो पेंडेमिक के चलते ग्लोबल जो है काफ़ी सारी कंट्रीज में लॉकडाउन्स थे, तो उसके चलते भी यहाँ जो डिमांड जो है उसमें कमी देखने को मिली थी। तो फंडामेंटल्स जो है यहाँ पे पिछले 1-2 वर्षों की बात करें तो काफ़ी कमजोर थे, जिसके चलते जो एक्सपोर्ट की डिमांड है उसमें उतनी बढ़त देखने को नहीं मिली और पुराने स्टॉक्स भी काफ़ी बड़ी मात्रा में थे, इसलिए हमने कीमतों में जो ब्रेकआउट है वो बनते हुए नहीं देखा और 4,400 के आसपास आते आते जो कमोडिटी है बार बार थकती हुई दिखाई दी। हमारा मानना है कि अभी भी यहाँ पे कमोडिटी में जो सुपर बुलिश मूव की एक्सपेक्टेशन एकदम से नहीं है और ये रेंज में ही ट्रेड जो है करता हुआ अगले कुछ समय तक भी जो है दिख सकता है। यहाँ पर एक बार दिनेश जी से आउटलुक लेना चाहेंगे कि दिनेश जी, जो मनोज जी ने कहा कि 5 साल हो गया है, 5 साल एक बहुत बड़ा पीरियड हो जाता है कि एक इन्वेस्टर के लिए, कि वो पैसा लगा के भी थक चुका होता है। आप क्या मानते हैं कि ये ब्रेकआउट होने के नजदीक है या अभी भी इसमें कुछ लंबा समय और लगने की चांस है, क्या है? नमस्कार कमल जी, और बहुत बहुत धन्यवाद पुनः एक बार आमंत्रित करने के लिए। जैसे कि मनोज जी ने कहा कि 5 साल में एक सीमित दायरे में चल रहा है और इन्वेस्टर इसमें वाकई ही बहुत हताश हो चुका है। इसका रेंज जो है, अगर आप 5 साल से आप देखो तो 3800 से 4800, 4800 में भी एक ही शॉट में गया था ये, उसके बाद जो दोबारा 4500 के ऊपर कभी गया नहीं है। ब्रेकआउट का ऐसा कोई मुझे मेजर चांसेस अभी भी नजर नहीं आता है। इसमें एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी होगी कि पहले ग्वारगम के वॉल्यूम हुआ करते थे 1.5 लाख टन के, 1 लाख टन के, 80,000 टन के। एक अरसा हो गया इसमें 60,000 टन से ऊपर वॉल्यूम नहीं हुआ है। जिस भी कंटिन्यूस 5 दिन इसमें अगर 50,000 60,000 टन का वॉल्यूम होगा तब इसमें संभावना जरूर बनेगी कि इसमें एक ब्रेकआउट बन पाए। हाल फिलहाल में अगर मैं दायरा देखूँ इसका तो इसमें 4,050 और 4,350 ये रेंज में ही इसमें ट्रेड करना चाहिए। एक बात मैं आपको और भी यहाँ सूचित करना चाहता हूँ कि मानसून के पूर्व में, प्री मानसून के और मानसून में, इसमें नॉर्मली 15 से 20% की एक चाल आती है। अपसाइड हो या डाउनसाइड हो डिपेंड करता है, लेकिन 10 से 15% तो मिनिमम इसमें चाल बनती है। बट हाल फिलहाल अभी एक दायरे में है, एक रेंज में है। वॉल्यूम्स में अगर बढ़ोतरी होती है तो हमें ब्रेकआउट देखने की चांसेस मिल सकते हैं। सरफराज भाई, जैसे दिनेश जी ने कहा, मनोज जी ने कहा, किस तरह आपको लगता है कि इसमें ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा गंवार में, क्या राय है आपकी? या ये 300 रुपए की एक जी रेंज है, उसी में चलता रहेगा? देखो, एक्चुअली ये जो रेंज है वो डेफिनेटली अभी एक कंसोलिडेशन फेस पे चल रहा है, और छोटी रेंज में जो है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये एक्सपायरी सेटलमेंट 20 जून के बाद इसके अंदर में डेफिनेटली एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। जी, तो ब्रेकआउट किस तरह का होगा? आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है या अभी भी नेगेटिव स्थितियां बनी हुई है?
नहीं, मेरे को ब्रेकआउट थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है कि लास्ट वीक के जो लोज देखते हुए कि अभी ये लोअर रेंज में चल रहा है, जो रेंज होती है उसमें भी ये एक लोअर रेंज में चल रहा है। 4,000 जो इसका साइकोलॉजिकल सपोर्ट है एज पर द चार्ट्स, एज पर द करंट जुलाई कॉन्ट्रैक्ट, तो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये 4,000 के पास आती है तो इसके अंदर में एक बाइंग सपोर्ट मिल जाता है। 4,200 250 के पास जाती है तो सप्लाई जोन मिल जाता है, तो 4,100 और 4,300 की जो रेंज है, वो जो 300 पॉइंट की, वो उधर है, बट डेफिनेटली इसमें ब्रेकआउट देखने को अपने को मिल सकता है। जी मनोज जी, साउथ वेस्ट मानसून ने दस्तक दे दी है, राजस्थान हरियाणा और गुजरात में मानसून आने में अभी थोड़ा वक्त है। ऐसे में आप शॉर्ट टर्म प्राइस आउटलुक क्या देखते हैं गवार सीड के लिए? शॉर्ट टर्म प्राइस आउटलुक मेरा मानना है कमल जी की अभी भी यहाँ डायनेमिक ट्रेड कर सकती है कमोडिटी। और हमने देखा है कि जहां तक जुलाई वायदा की बात है तो 4,200 के नीचे एक बार फिर कीमतें फिसलती हुई दिखी है और उसके नीचे ही जो है कॉन्ट्रैक्ट सस्टेन होता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि यहाँ कीमतें एक बार फिर अपना जो सपोर्ट जोन है 3,980 उसको टेस्ट कर सकती है शॉर्ट टर्म में, और वहां पे फिर एक बार जो है बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल छोटी अवधि में मेरा मानना है कि 4,000 तक के लेवल्स फिर एक बार देखने को मिलेंगे, लोअर लेवल्स पर फिर एक बार बाइंग जो है वो देखने को मिल सकती है। तो 4,000 के आसपास अगर किसी को बाइंग की पोजीशन करनी है तो सपोर्ट जोन के आसपास करना चाहिए। ऊपर में अभी भी 4,250 4,300 ये स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो बने हुए हैं, तो 4,000 से 4,300 के दायरे में अगले कुछ समय तक जो है कमोडिटी ये कारोबार कर सकती है। जहां तक सुपर बुलिश मूव की बात है, जैसे कि सरफराज भाई भी बोल रहे थे कि यहाँ पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, दिनेश जी का भी कहना था कि यहाँ कंटिन्यूअस अगर वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिलती है तो फिर यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि ग्वार सीड में वीकली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 4,450 के ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्ट में क्लोजिंग आ जाती है तो फिर ये मानना चाहिए कि यहाँ पे जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव आगे देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ ब्रेकआउट भी हुआ लेकिन वो लेवल्स जो है वो पार नहीं हो पाए और उसके बाद बार बार जो है कमोडिटी जोन को टेस्ट करती हुई दिख रही है। तो बड़ी बढ़त के लिए 4,450 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पर एक बार वेट करना चाहिए, उसके ऊपर अगर प्राइस में ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर यहाँ सुपर बुलिश मूव जो है वो देखने को मिल सकता है। जी दिनेश जी, अगर हम देखें राजस्थान सबसे बड़ा गवार उत्पादक राज्य है और वहां पर की बुआई लगभग 10 जुलाई के आसपास होती है क्योंकि मानसून ही तब आता है, और जो बिना सिंचाई वाला एरिया है वहां गवार की बुआई सर्वाधिक होती है, इस वजह से कि मानसून का इंतजार करना पड़ता है किसानों को। तो ऐसे में 10 जुलाई के आसपास का हम व्यू लें, यानी जो ये शॉर्ट टर्म पीरियड है उसमें गंवार सीड को लेकर के आपका क्या नजरिया है? अभी अगर ऊपर से हम देखते हैं तो ग्वार सीड 4,420 शायद ऊपर गया था अभी मेरे हिसाब से, और वहां से फिसल कर अभी ये 4,140-4,150 आया है, नीचे का रेंज आ गया। जैसे सरफराज ने कहा है कि इसमें नीचे का लेवल आ चुका है, 4,040 के आसपास मुझे लगता है इसमें खरीद किया जा सकता है। दोबारा एक बार 4,350 रुपए का लक्ष्य इसमें देख सकते हो। 3,940 के नीचे इसमें क्लोजिंग हो मुझे ऐसा लगता नहीं है, 3,940 बिलो क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के 4,040 के आसपास खरीद करे, इसमें 200 से 300 रुपए का चाल निश्चित रूप से मिल सकता है। सरफराज जी, जैसे आपने कहा कि अब इसकी सबसे निचली रेंज आ चुकी है, अगर वो क्या रेंज होगी शॉर्ट टर्म के लिए कि जहां कोई इन्वेस्टर गंवार सीड में अपना पैसा लगाए या खरीद करे और उसे क्या रिटर्न मिलने की उम्मीद माने हम? 4,040 अभी जो कल का जो लो रखा है, विच इज समवेयर ऑन 4,096, तो मेरे को ये 4,080 जो वेरी शॉर्ट टर्म फॉर द कमिंग वीक, आगे के जो वीक के लिए 4,080 और 4,120 जो ये रेंज है वो बाइंग जोन लग रही है, और छोटी रेंज की प्रॉफिट के लिए 4,170 और 4,200 के लिए, जो वेरी शॉर्ट टर्म व्यू कहता हूँ, कल का जो लो रखा है वो एक इम्पोर्टेंट। और इसमें 4,050 और 4,000 की रेंज देखने को मिलेगी, बट अगर 4,000 की लेवल ये ब्रेक करता है तो देर इज अ डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। अगर उस टाइम पे आपका जो क्वेश्चन रहेगा कि ब्रेकडाउन पे क्या होगा, तो डेफिनेटली एडवांस मनोज जी, गवार सीड की अगर हम देखें लॉन्ग टर्म के जो भी व्यू आज तक आए हैं अधिकतर उस पर
कभी ये टिक नहीं पाया और जा नहीं पाया, और हर निवेशक ने सोचा कि शायद ये लंबी अवधि में मुझे एक अच्छा मुनाफा दे जाएगा, और वो खरीद करता अंत में अपने आप को बहुत थकावा महसूस होता है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने गलत जगह पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, मैंने गलत कमोडिटी पकड़ ली, जबकि फिर एक उम्मीद आती है कि वापस गंवार चलेगा। और आपने भी बताया कि 5 साल से ये एक बिल्कुल सीमित दायरे में चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें थोड़ी, क्योंकि अब मानसून भी आएगा उस पर भी इसमें बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, किस तरह के आपके व्यू है लॉन्ग टर्म के लिए गंवार सीड को लेकर? लॉन्ग टर्म का व्यू काफी कुछ जो है इस बार के सोइंग के नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि हमने देखा है कि गत वर्ष में ऑयल सीड्स की कीमतें हो या पल्सेस की कीमतें हो या कॉटन कॉम्प्लेक्स की हो, वहां पे कीमतों में अच्छी बढ़त देखने को मिली थी। तो अगर यहाँ पे कुछ एकरेज जो है जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट से, चाहे वो राजस्थान हो या गुजरात हो, तो वहां से अगर कुछ एकरेज जो है वो दूसरे क्रॉप में शिफ्ट होता है और जो सोइंग के नंबर से वो अगर गिरावट के साथ आते हैं, तो फिर एक बार यहाँ प्राइस में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। जहाँ तक पिछले 4-5 वर्षों में रिटर्न्स का सवाल है, तो अगर गत वर्ष की हम बात करें तो यहाँ पेंडेमिक के टाइम में जो लोज बने थे फरवरी 2020 में 3,190 के, वहाँ से फिर एक बार कमोडिटी में अच्छी बढ़त देखने को मिली थी और 4,394 तक के हाइस जो है कमोडिटी में इस साल 2020 अक्टूबर में वापस बने थे। तो लगभग जो लोज पेंडेमिक के टाइम में बने थे और जो हाईज बने, वहाँ पे हमने लगभग 38% के रिटर्न्स बनते हुए दिखे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ग्वार सीड में जो है मौका नहीं मिला है, 38% के रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे होते हैं और लोज से लगभग हमने 1200 पॉइंट की बढ़त जो है वो कमोडिटी में आते हुए देखी थी। अभी यहाँ पे हमने देखा है कि ऊपरी लेवल से फिर एक बार प्राइस रिट्रेसमेंट जो है यहाँ देखने को मिल रहा है, तो जो बढ़त थी उसका अगर 38% हम रिट्रेसमेंट माने तो वो 460 पॉइंट का होता है और वो लगभग 3,930 रुपए के आसपास आता है। तो मेरा मानना है कि जो लॉन्ग टर्म में बड़ी तेजी की जो शुरुआत होगी, उसके पहले कमोडिटी एक बार अपने रिट्रेसमेंट पॉइंट जो 3,950 या 3,930 उसको टेस्ट कर सकती है। लंबी अवधि में अगर यहाँ पे सोइंग के नंबर्स में गिरावट देखने को मिली, तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट का हम इंतजार कर रहे हैं 4,450 के ऊपर का, वो इस बार देखने को मिल सकता है। क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो डेरिवेटिव्स है कोरमा, उसकी डिमांड जो है फूड सप्लीमेंट में काफ़ी अच्छी मात्रा में देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम कच्चे तेल की बात करें तो वहाँ भी कीमतें 2 वर्ष की उच्च स्तर पर ट्रेड कर रही है। WTI की कीमतें हमने $70 के पार निकलते हुए देखी है, ब्रेंट भी 72 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड हो रहा है, और जिस तरह से जो चाहे US की जो समर ड्राइविंग सीजन की डिमांड की बात हो या अनलॉकिंग के बाद US, यूरोपियन यूनियन या दूसरी जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे कच्चे तेल की डिमांड की बात हो, तो यहाँ पे जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है उसमें डिमांड में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। OPEC की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से भी वर्ष 2021 के सेकेंड हाफ में कच्चे तेल की जो ग्लोबल डिमांड है उसमें बढ़त देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे बढ़त की उम्मीद काफ़ी अच्छी है। उस लिहाज से US में फिर एक बार जो रिग काउंट से वहाँ भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, तो ऐसे में आने वाले समय में ग्वार गम की जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी सुधर सकती है और जो डेरिवेटिव्स है कोरमा उसकी डिमांड ऑलरेडी अच्छी मात्रा में बनी हुई है। अब यहाँ पे जो ट्रिगर पॉइंट होगा वो सोइंग के नंबर्स का होगा और सोइंग में अगर गिरावट देखने को मिलती है तो डेफिनेटली मेरा मानना है कि जो 4,450 का जो ट्रिगर पॉइंट है उसके ऊपर एक बार जो है क्लोजिंग देखने को मिलेगी और उस केस में कीमतें फिर मेरा मानना है कि यहाँ 5,000 या 5,200 तक के लेवल्स भी जो है दिखाने में सफल रहेगी। तो हमको एक सोइंग के नंबर्स का मिड जुलाई तक वेट करना चाहिए, तब तक मेरा मानना है कि कमोडिटी एक दायरे में बनी रह सकती है। जी दिनेश जी, कई बार इन्वेस्टर ये होता है कि जब ऊंचे भाव देख लेता है तो उसे निचले भाव पसंद नहीं आते हैं। गंवार सीड की हम बात करें तो इसने एक समय में 30,000 रुपये के आसपास का लेवल छू लिया था, तो वर्तमान भाव जो है वो उसकी तुलना में बहुत नीचे महसूस होते हैं। जबकि मनोज जी ने कहा कि उसने 38% का रिटर्न किया, 38% रिटर्न एक बहुत अच्छे रिटर्न माने जाते हैं। आप क्या कहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए किस तरह की स्थिति हो सकती है, क्या आपका नजरिया रहेगा उस पर? लॉन्ग टर्म की अगर आपकी हाल फिलहाल बात करें तो मुझे लगता है 3,940 के बिलो इसमें क्लोज नहीं होना चाहिए, बट इसमें पोटेंशियल बढ़ने का कितना है ये अभी कहना बहुत मुश्किल है। बट इसमें बेसिकली 2020 वाला मैच खेलना भी मुझे ज्यादा पसंद है। अराउंड 4040 अगर आता है तो इसको खरीद करें, 3940 भी लगा स्टॉप लॉस रखें,
और 200 रुपए 150 रुपए की चाल लेकर इसमें संतुष्टि मांगे। रही बात 30,000 का भाव देखा था तो हम इक्विटी में कहते समथिंग देयर इज अ फेयर वैल्यू, उस समय की वो फेयर वैल्यू थी, इस समय की ये फेयर वैल्यू है। तो बेटर टू गो विद द फेयर वैल्यू एंड नॉट टू बी गो की ओवर वैल्यू की अंडर वैल्यू को हमने अंडर एस्टिमेट करना चाहिए, और जो इसकी सही वैल्यू है वो यही है अभी। और मुनाफा जो जहां मिलता है 20% 30% का मुनाफा नहीं होता है, मुनाफा मुनाफा ही होता है जी। सरफराज जी की गमार गम का जो चार्ट है वो शॉर्ट टर्म में क्या संकेत दे रहा है? गुआर सीड और गुआर गम जो है ऑलमोस्ट सेम जीन है, तो इसके अंदर यही मैं बताना चाहता हूँ कि वेरी शॉर्ट टर्म व्यू के हिसाब से ये एक 6,200 का बहुत बड़ा सपोर्ट है इसके अंदर, और 6,300 की क्लोज जो आई है, बट मेरे को यहाँ पे जो कमिंग वीक का जो ट्रेड है उसके लिए लेना चाहिए डेफिनेटली 2-3% का ट्रेड 6,350-6,400 तक मिल सकता है। वी कैन कॉल इट एज ये ओवरसोल्ड कंडीशन में है, तो एक पुल बैक रैली हम इसको कह सकते हैं जी। मनोज जी आप क्या कहेंगे कि शॉर्ट टर्म में किस तरह चार्ट बता रहा है स्थिति की, क्या हो सकता है गवार गम में? गवार गम में भी मेरा मानना है कि इनलाइन है ग्वार सीड के, और जहां तक जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात है तो 6,200 बिल्कुल यहां पे एक स्ट्रांग सपोर्ट है, और सपोर्ट लेवल्स के आसपास जो कमोडिटी अगर देखने को मिलती है तो वहां खरीदारी की जा सकती है। ऊपर में 6,400-6,450 ये रेजिस्टेंस है, और सेकेंड रेजिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं 6,660 के आसपास है, तो 6,000 ऑन द लोअर साइड 6,660 ऑन द हायर साइड, ये लगभग 600-650 रुपये की रेंज यहाँ भी मिड जुलाई तक जो है बनी रह सकती है। और जैसा कि मैंने बताया कि ग्वार के जो स्विंग के नंबर्स आएंगे उसके बाद फिर एक यहाँ ट्रिगर देखने को मिलेगा, तब तक ये रेंज में प्ले कर सकते हैं, सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करें। ऊपर में 6,450-6,500 कहीं भी लेवल्स मिलते हैं तो वहाँ पे एक बार मुनाफा वसूली कर ले तो दायरे में यहाँ ट्रेड करने का मौका बना रहेगा। दिनेश जी यही सवाल आपसे कि गवार गम के लिए शॉर्ट टर्म में हम निचला लेवल और ऊपरी लेवल क्या देख रहे हैं आप? अभी रिसेंटली हमने जो रैली देखी थी एक जोरदार मूव आया था गवार गम में, और 6,700 जुलाई का वायदा टेस्ट किया था और वहां से दोबारा ये 6,300 आ गया है, मतलब 400 रुपए की चाल इसमें बहुत ही आम बात हो गई है। अब मुझे लगता है जैसे कि मनोज जी ने कहा कि 6,200 के अंदर का कोई भी स्तर मिलता है आपको खरीद करने के लिए, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से खरीद करना चाहिए। 5,950 से नीचे जाने की संभावना कम है, दोबारा 6,650-6,700 का लक्ष्य इसमें देखा जा सकता है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग व्यू है और एक दायरे में चल रहा है, दायरे का आनंद लीजिए, उसमें ज्यादा मुनाफा कर सकते हैं जी। दिनेश जी आपसे अंतिम सवाल यह है कि मौजूदा कंडीशन में गवार सीड पर दाम लगाना चाहिए या गवार गम पर? क्या मुझे लगता है ग्वार गम ज्यादा सेफर बेट है, 6,200 के अंदर के में लेने में बिल्कुल कठिनाई नहीं होनी चाहिए इसमें, और ज्यादा कष्टदायक नहीं होना चाहिए, और 400-500 रुपए का मूव तुरंत मिल सकता है। स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करें? 59-50 बिलो स्टॉप लॉस ग्वार गम में मेंटेन करें, और 400 रुपए का लक्ष्य अपसाइड देखने मिल सकता है। 6,150-6,200 के अराउंड इसमें बाइंग जरूर देख जा सकते जी। धन्यवाद मनोज जी, आपका क्या व्यू है कि गवार सीड खरीदना चाहिए या मतलब बेचना हो जो भी हो, शॉर्ट टर्म शॉर्ट करें या बाई करें, तो गवार सीड ज्यादा अच्छी है या गवार गम बेटर है पैसा लगाने के लिए? शॉर्ट टर्म में मेरा मानना है कि ग्वार गम में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जैसा कि दिनेश जी ने भी बताया कि 6,200 अच्छे लेवल से खरीदारी के लिहाज से, 6,000 यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं, तो वही 5,950 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऊपर में 6,660 ये लक्ष्य यहाँ पे फिर एक बार देखने को मिल सकते हैं, तो अभी यही रेंज है, सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करें, 5,950 का स्टॉप लॉस लगाए, ऊपर में 6,660 ये लेवल्स मिले तो एक बार मुनाफा वसूली कर लें। सरफराज जी गवार सीड में पैसा लगाना चाहिए या गवार गम में, आपका क्या ओपिनियन है? मेरे हिसाब से भी ग्वार गम के अंदर एक स्टेबिलिटी दिख रही है देन सीड कंपैरेटिवली माइनर रेशियो से, तो उसके हिसाब से गवार गम वुड बी बेटर चॉइस करके मेरा भी मानना है। और जैसे मैं आपको लास्ट क्वेश्चन का मैं कंटिन्यूएशन कर रहा हूँ कि 6,400 जैसे क्रॉस करता है तो इसका 66,666 का जो रेंज में बताया था, तो ये एक 6,000-6,666 की रेंज बनी रहेगी, वेरी शॉर्ट टर्म व्यू के लिए अच्छा है। सुपर बुलिश जैसा कुछ अभी नजर नहीं आ रहा है, बट अबाउ क्लोजिंग ऑफ 66,700 जो लास्ट क्लोजिंग है लास्ट हाई,
उसके ऊपर जाने पे ही वी कैन थिंक ऑफ ब्रेकिंग आउट ऑफ द रेंज फॉर न्यूअर लेवल्स। तब तक के लिए रेंज है, रेंज में ही इसका जो लेवल्स है वो बन रहे। धन्यवाद सरफराज जी, मनोज कुमार जी, दिनेश जी और सरफराज भाई का मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक व्यू दिया, और उम्मीद है कि मोलतोल इंडिया के जो दर्शक हैं वो अब डिसाइड कर पाएंगे कि हमें गंवार सीड में पैसा लगाना चाहिए या गंवार गम में लगाना चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू क्या हो सकते हैं। बुआई पैटर्न के डेटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, इस उम्मीद करते हैं कि डेटा पूरे कंप्लीट आने के बाद में, और तब एक शायद नई दिशा मिलेगी और हम फिर से उस समय एक इसकी विस्तार से पूरी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।